आमेन आमेन सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। एक गलती करते हैं आज, मैं उस विषय में आपको बताऊंगा वो गलती क्या है और उससे कैसे बचे। आमेन आमेन। आज सबसे पहले जो मसीह गलती करते हैं वो करते हैं आराधना के वक्त में वो एक्टिव नहीं होते। हालेलुया। जब आराधना हो रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों की आराधना कुछ इस प्रकार होती है, गाना चल रहा है उनका आराधना ऐसे है, हालेलुया, ऐसा आराधना होता है, मतलब बीट एंजॉय कर रहे, प्रार्थना एंजॉय तो बीट एंजॉय कर रहे, ऐसे आराधना होता है। कई लोग का ऐसे आराधना होता है, हाथ पीछे करते, कुछ टाइप की आराधना है जो लोग करते हैं, पैर से ऐसे, जब हाथ उठाने बोले तो ऐसे हाथ उठा रहे, आशीर्वाद दे रहे, पता ही चलता है। आमेन। ये जो कुछ गलतियां आप करते हैं, मैं आपको बताता हूं मसीह गलतियों को ना करें। जब आराधना हो रहा था उस वक्त में आप सरेंडर करें, आप हो सके तो जमीन पे बैठ जाएं, हो सके तो आप दंडवत कर दे, लेट जाए परमेश्वर के सामने, आप नाचे हाथ कर, मतलब वो जो वक्त होता है वो सरेंडर करने का होता है। हालेलुया। जब आप आराधना कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूं उस वक्त में, अच्छा ये सोचो, कभी आपने ये बात सोची है कि हम जब आराधना करते हैं पहले आराधना फिर वचन क्यों होता है, पहले वचन फिर आराधना कर सकते हैं, क्यों लोग पहले आराधना करते हैं उसके बाद हम वचन में जाते हैं, पता है आपको रीजन? जब आप बाहर से आते हैं कलीसिया के अंदर तो आप कई दुनियावी बातों को लेकर आते हैं, हमें आप कई शैतानी बातों को अपने साथ लेकर आते हैं, हमें उस वक्त जब आप आते हैं तो कलीसिया में आते ही एकमात्र आराधना ऐसा चीज है जिससे शैतान भागता है। हालेलुया। आप कैसे भी मन के साथ आओ, या तो आप पवित्र आओ, या आप पापी होकर आओ, या टूटे हुए आओ, या कैसे भी आओ, परमेश्वर उससे मतलब नहीं। जब आप आते हो शैतान भी आपके साथ इंटर करता है कहीं से, और जब वो इंटर करता है तो शैतान का परमेश्वर क्या करता है, हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये दीवार मंदिर नहीं है। आमेन। तो यहाँ पे शैतान आ सकता है इस कलीसिया के अंदर, वो आता है और बैठता है, और हम लोग जब आराधना करते हैं, हम लोग क्यों आराधना करते हैं, हम इसलिए करते हैं वो वचन जो हम लोग सुनने जा रहे हैं हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर शैतान आप आराधना कर रहे हो ऐसे वाला आराधना कर रहे हो, शैतान जगह पास में खड़ा रहेगा, वो आपके साथ ही सिर पे बैठे रहेगा। हालेलुया। जब आप ऐसे वाला प्रार्थना करो हाथ पीछे करके, शैतान आपके पास में रहेगा। आमेन। और सुनो, जब मैं आपको वचन बताता हूँ वो वचन का ब्लेसिंग जो आपके पास जाना है वो नहीं जाएगा, और शैतान जब इस जगह पर होगा तो वो वचनों को चुरा लेगा, और इसीलिए हम लोग इतना पागलों की तरह उछल कर नाच कर जोश में आराधना करते हैं। जब हम आराधना करते हैं शैतान कानों को बंद करता है, अपने कान को बंद करके दूर तक भागता है वो, जहां तक वो भाग सके। आमेन। आपका पवित्र आत्मा का रेंज जितना ज्यादा होगा शैतान उतना दूर भागेगा, और जब शैतान भागेगा तो मैं जो वचन बोलूंगा आप उसको अपने जीवन में ले लोगे। आमेन। आप आराधना की कमी करते हो शैतान पास में रहता है, जो मैं वचन बोलता हूं शैतान चोरी कर लेता है, तो वचन काम नहीं करता। आमेन। वचन का महत्व कितना ज्यादा, मैंने पिछले एक सप्ताह में आपको बताया है कि वचन का महत्व कितना है, वचन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ। आमेन। आमेन। यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन में वचनों का इस्तेमाल किया, उनके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी कि उन्होंने ऐसे किया और शैतान वहां भागे, नहीं, वो वचन का इस्तेमाल करते थे। जब वो अभी हम लोग 3 दिन से प्रार्थना जुड़े हुए सारे लोग, आमेन, जितने आ रहे उनके लिए बहुत धन्यवाद, जितने नहीं आ रहे उनके लिए भी धन्यवाद, परमेश्वर उनको बहुत जल्द बुलाने जा रहा है, उनका भाग उनको देने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया फूंके पहले की तरह वचन ना सुने, मैंने पहले ही बताया। आमेन आमेन। लगता है 3 दिन से आराधना कर करके सबका थकावट बढ़ गया, आमेन नहीं आ रहा, मेरा तो आवाज नहीं निकल रहा है चिल्लाने से। आमेन। अभी मैं अपनी गवाही बताऊं, जो मैं आराधना कर रहा था मुझे एक बहुत बड़ा विशाल पांव दिखा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे सारे लोग गायब थे और वो बस पैर मुझे इस जगह पर दिखा, मैं देखते ही उस वक्त में लगा कि नहीं, अपने आप मैं आराधना करते रहते, मैंने माइक छोड़ के मैं जमीन पे आ गया, क्योंकि वो वक्त होता है जब परमेश्वर का आगमन होता है, जब आपको महसूस होती है उपस्थिति, उस वक्त दंडवत करो, जब तुम दंडवत करोगे परमेश्वर से मत जाएगा, तुम उसकी ऑनर कर, तुम उसका आदर कर रहे हो, और जब तुम उसका आदर करोगे परमेश्वर भी तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो, ये कोई मैजिकल क्लास या फिर मैजिकल शो नहीं चल रहा है, जादू ही नहीं चल रहा है यहाँ पर, जो शोज दिखाते हैं, आया और आपको जादू दिखाया फिर जाके आप क्या हो गए उसमें यकीन करने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझ पर यकीन कर, तू मुझ पर विश्वास कर और मैं तेरे कामों को पूरा करूंगा, और हम क्या बोलते हैं, मेरे कामों को पूरा कर फिर मैं विश्वास करूंगा।
हालेलुया हालेलुया। वो माइक्स को निकाल दे प्लीज, तो आए वो माइक दे। शैतान बड़ा चला के भाई, वो जानता है जब वचन आने वाला है। अब इंसान को तो कमजोर कर नहीं सकता है, माइक को पकड़ता है। आमीन, हम भी तेज है, माइक बदल लेंगे। हालेलुया हालेलुया। आमीन। कहां पे थे हम? परमेश्वर का वचन। आमीन। तो देखिए आज हम उस बातों के बारे में सीखेंगे। शैतान मान नहीं रहा है। हालेलुया, कोई बात नहीं। तो अपनी थकावट को दूर करो खुद से, ठीक है। वचन आज हम जानेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग आते हैं, उस विषय में कि क्या मसीही गलती करते हैं। हालेलुया। वो अपने पांच ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। आमीन। पांच ज्ञान इंद्रिया क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं फाइव सेंस ऑर्गन्स। आमीन। बच्चों ने पढ़ा होगा, आप भी जानते हैं पांच ज्ञान इंद्रिया क्या है। आपकी आंख, आपका नाक, आपका कान, आपका मुंह और आपका मन। आमीन। पांच ज्ञान इंद्रिया है। हम लोग जो भी चीज देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं इस पांच ज्ञान इंद्रियों के कारण। आज यहाँ पे आप बैठे हैं इस पांच ज्ञान इंद्रियों के कारण। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार बताओ, खाना में जब नमक ज्यादा पड़ जाता है, क्या तुम देखने आते हो नमक किसने ज्यादा डाला? तुम चखते हो, पता चल जाता है कि नमक ज्यादा है। आमीन। क्या तुम देखने आते हो किचन में किसने नमक डाला? नहीं, तुम्हारी ज्ञान इंद्रिया तुम्हें बता देती है कि उसमें नमक ज्यादा है। तुम यहाँ बैठे होते हो और प्लेन सर के ऊपर से जाता है, क्या तुम उसको देखते हो? नहीं। तुम्हारे कान उस आवाज को सुन लेती है और तुम्हें समझ में आता है कि प्लेन जा रहा है। तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां सारी चीज को फॉर्म करती है तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में सारी बातों को बनाती है और आप उस बात पर चलते हैं। और याद रखो, ये ज्ञान इंद्रियां परमेश्वर का दुश्मन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हो, इस पांचों चीज का इस्तेमाल ना करना। आमीन। आपको पता होगा यूहन्ना, निकालो जरा वचन मेरे साथ, यूहन्ना 20 का 24 और 25। देखिए यहां वचन में लिखा है, यूहन्ना 20 का 24 और 25 में, यहां पे एक परमेश्वर के चेले की कहानी बताई जा रही है। क्या है कहानी? थोमा नाम का एक व्यक्ति था, यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 में से एक तो धोखेबाज निकला। आमीन। और एक जो था वो क्या था? विश्वास में बड़ा कम था, वो कमजोर था। वो क्या करता था? हमेशा अपना ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करता था। आमीन। कि मैं देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। आमीन। उसने क्या किया, जब यीशु मसीह कब्रों में से जी उठा और जब वो कब्र से जी के सब लोग अपने चेलों के पास गया, उस वक्त जाने के बाद थोमा ने सवाल उठा कि मैं यकीन नहीं करता हूं तू यीशु है। उसने बोला कैसे यकीन करेगा? तो उसने बोला कि मैं तेरे हाथ में छिदे हुए ना जिसमें कीट हो गए थे, मैं उसमें उंगली घुसाऊंगा, तेरे पंजरे में जो भाला होगा मैं उसमें हाथ घुसा के देखूंगा, मैं अपने हाथ घुसा कर देखूंगा, चेक करूंगा कि गड्ढा तो है कि नहीं है। आमीन। मैं तो बस आर पार करूंगा उंगली के, मैं देखूंगा कि है कि नहीं है। मतलब वो अपने फिजिकल स्टेट में आ रहा था, वो अपना ज्ञान इंद्रिय, क्या छुएंगे तो विश्वास करेंगे, देखेंगे तो विश्वास करेंगे, चखेंगे तो विश्वास करेंगे, स्मेल करेंगे तो विश्वास करेंगे। आमीन। और क्या हुआ? परमेश्वर थोमा को बोला, थोमा तेरा विश्वास, परमेश्वर बोलता है थोमा के तरह का विश्वास मत करना। आमीन। हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर मैं मेरा तबीयत खराब है, मैं तबीयत ठीक कर दे, जैसे ठीक कर देगा मैं तेरे पर विश्वास कर लूंगा। परमेश्वर अभी मेरा 10 लाख का आने वाला है टेंडर, वो तू पास कर दे मैं तेरे पर विश्वास कर लूंगा। परमेश्वर मैं रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आने मैं तेरे पर विश्वास कर दूंगा, करने लगूंगा। मेरा ये ठीक कर दे, मेरा वो ठीक कर दे, मैं विश्वास करूंगा। तो थोमा हो तुम लोग अगर ऐसा विश्वास है तो। आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, एक जगह परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। आमीन। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, इब्रानियों 11:1 में व्यक्ति निकाल लेंगे फटाक से, एक इब्रानियों 11:1 परमेश्वर वचन में क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास कैसा हो, कैसा विश्वास करे कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे। इब्रानियों 11:1 पढ़ो, देखो विश्वास जो है आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन।
ऐसी चीजों पर विश्वास करो कि जो है ही नहीं। आमेन। देखो मैं बताता हूं, पांच ज्ञान इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, मुंह और आपका त्वचा, ठीक है? ये पांच। और छठी ज्ञान इंद्रिया क्या है? जो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर बता, इस पांचों का इस्तेमाल ना करना, छठा का इस्तेमाल करना। वो छठा कौन सा है? विश्वास। क्या है वो? विश्वास। आमेन। परमेश्वर सब बोलता है। देखो कई चीजें हम लोग अगर ऐसे हाथ से छू करके बोले, कई चीजें हम लोग अभी इमेजिन करें। अभी मैं बोलूं कि यहाँ पर एक बाइक लगा है, आमेन, हम लोगों ने बाइक लगा है, क्या हमारी आंख इस बाइक को देख सकती है? कान इस बाइक को सुन सकती है? अगर हम चाहे स्मेल करना उसके बाइक के स्मेल को, तो हमसे सुन सकते हैं उसे? नहीं, छू सकते नहीं। लेकिन विश्वास के आधार पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बाइक है, हमें मान सकते हैं हम लोग क्या है। तो विश्वास एक ऐसा चीज है जो अनदेखी वस्तुओं पर क्या है, विश्वास करने पर निश्चय होता है, वो चीज स्थापित होती है, वो चीज। आमीन। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी जो है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी सूरज से लेकर पृथ्वी तक आने में पता है कितना समय लगता है? उसकी तेजी, उसकी गति कितनी है आपको पता है? उसकी गति इतनी ज्यादा है, वो एक सेकंड में, आप एक सेकंड में क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोग एक सेकंड में क्या कर सकते हैं? वो जवाब दो मुझे, एक सेकंड में पलक झपका सकते हैं? हमें आपको पता है सूर्य की किरण एक सेकंड में पृथ्वी का 7.5 बार चक्कर लगा सकता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7.5 बार, इतनी स्पीड है उसके अंदर, संसार में चक्कर लगा सकता है। हमें सोचो, तुम्हारे ज्ञान इंद्रिया उस चीज को देख पा रही है जो परमेश्वर ने बनाया है, और स्वर्ग दूत है, उसकी स्पीड तो उससे भी ज्यादा है, तो तुम उसको कैसे देखोगे? तो तुम जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर विश्वास करते हो, इसको छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने जो चीजें बनाई है, तुम्हारे ज्ञान इंद्रिय कैपेबल नहीं है, वो सक्षम नहीं उस बातों को देख सके। इसलिए अपने विश्वास को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करे। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि वचन को बोलो, वचन को बोलोगे वो तुम्हारे लिए जिंदगी में हो जाएगा। अपने ज्ञान इंद्रियों पर ट्रस्ट करने वाला थोमा, क्या वो विश्वास का पिता ठहरा? विश्वास का पिता कौन ठहरा है बाइबल में? अब्राहम ठहरा है। अब्राहम ने ऐसी चीजों को देखा जो उसके लाइफ में इम्पॉसिबल था, एक बूढ़े के जीवन में बच्चा का आना, वो भी उसी के द्वारा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल चीज को अब्राहम ने क्या किया? हर दिन मनन किया, परमेश्वर ने बोला है होगा, परमेश्वर ने बोला है होगा, परमेश्वर ने बोला है होगा, और एक वक्त आया कि परमेश्वर ने बोला हो गया। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। उसने हर दिन घोषणा करना स्टार्ट की। अब्राहम को परमेश्वर के साथ कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं था, हमारे जैसा एक व्यक्ति था, लेकिन वो एक घोषणा करने वाला व्यक्ति था। उसने कई सालों तक घोषणा की। सोचो एक पिता बनने का एक लड़के के अंदर कितना उम्र होगा? मेरे हिसाब से कोई लड़का अगर 18 साल का हो जाए तो एक बच्चे को जन्म देने के योग्य हो जाता है, 17-18 साल का। वो ऐसा कैपेबल होता है कि अगर वो किसी स्त्री के साथ सोए तो वहां पे बच्चे उत्पन्न कर सकता है। आमेन, कर सकता है। वो इतना फिजिकल एबिलिटी उनकी हो जाती है, उनका बॉडी इतना ग्रोथ हो जाता है। सोचो 18 साल की उम्र से अब्राहम ने वेट किया होगा, इंतजार किया होगा, इंतजार किया 30 साल तक इंतजार किया, वचन को बोलता रहेगा, प्रभु ने बोला वो करेगा। 35 साल तक हो गया, उसका वचन है, प्रभु ने बोला मैं बोल रहा हूँ होगा, परमेश्वर ने बोला तो होगा। 40 साल हो गया, बोलता रहा, 45 बोलता रहा, 50 बोलता रहा, 60 बोलता रहा, 70 बोलता रहा, आखिरकार लगभग 100 साल की उम्र में, पक्का नहीं था, शायद थोड़ा कम था उससे, 98 था शायद, हाँ 100 के आसपास मान लेते हैं हम लोग। उस वक्त में क्या हो गया? उसको एक बच्चा उत्पन्न हुआ। किसके आधार पर? क्या प्रभु उसके ऊपर कुछ स्पेशल दिया था? नहीं, उसने खुद परमेश्वर से स्पेशल लिया था, इसीलिए वो विश्वास का आज पिता है। मैं आज आपको वचन से क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हमें जो भी चाहिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो बिजनेसमैन है वो चाहते हैं मैं पटना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं, आप बन सकते हैं, सब संभव, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस, हर कार्य संभव है यीशु के नाम में। आपको बस घोषणा करनी होगी, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, तूने वचन में कहा है कि तूने मुझे आशीष दी, इफिसियों 1:3 को स्मरण करो, कि मेरा फेवरेट वचन है, ऐसा कहता है कि मैंने तुझे सारी स्वर्ग की आशीषें ऑलरेडी दे दी हैं, मैंने तुझे दे दिया। जब दे दिया तो उसको बोलना स्टार्ट करो, उस बाप को बार बार बोलो कि आपने बोला दे दिया, कब दे रहे हो?
कहाँ है मेरा पार्सल, कितने देर में पहुंचेगा, ट्रैक करो उसको, उसका पीछा करो, कहाँ है आपका आशीष, उसका पीछा करो। हर दिन पिता को याद दिलाओ सुबह शाम कि परमेश्वर आपने कहा है कि मुझे तुम सबसे बड़े बिजनेसमैन बनाओगे इस पटना का, कब बनूंगा, कब बनूंगा, हर दिन याद दिलाओ बन जाओगे। आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एक वक्त उसको आएगा कि उसको नौकरी चाहिए होगा, या पढ़ाई में सबसे अच्छा क्लास से बनना है, बेस्ट बनना, बेस्ट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, स्कूल जैसा भी आपका सपना है। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर आपने बोला कि आपने आशीष दी थी, मैं पढ़ने में सबसे अच्छा कब पढ़ रहा हूँ क्लास में, आपने कहा है कि आप मुझे बना रहे हो तो कब बना रहे हो। हर दिन बोलो सुबह शाम दोपहर। मैं अपनी गवाही बताता हूँ, 2017-2016 में हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं गवाही आपको बताता हूँ, 2016 मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और 2024 आ गया, आज तक एक टूटी कौड़ी यूट्यूब से नहीं कमा पाए हम लोग, एक रुपया नहीं आया, वीडियो में व्यूज आते थे लेकिन उसका कॉपीराइट क्लेम पड़ जाता, पैसा किसी और के पास चला गया। अब भाई पैसा आया भी तो हम लोग फिर ठंडे पड़ गए, हम लोग बनाना छोड़ दिए, तो YouTube में 8 साल से एक पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन हमने घोषणा करनी स्टार्ट की पिछले महीने से, परमेश्वर ये तेरा दिया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास कुछ कर्ज आया उसको खत्म करना है, मैं चाहता हूं मैं इस माध्यम का इस्तेमाल करूं अपने प्रभु, अपने कर्ज को खत्म करने के, तो तूने मुझे दिया है। सब बोल रहा था तेरा तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तुम्हारा जो अकाउंट है वो रुक गया है, वो कभी नहीं बढ़ेगा, दूसरा बना लो। मैंने बोला कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, हमें वो करेगा। अरे वो जो मुर्दे को जिंदा कर देता है, वो गरीब को अमीर बना सकता है, वो नीचे से उठा के लोगों को ऊपर बैठाता है, तो मेरे छोटे से चैनल को क्यों ना बदलेगा। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे से 5 दिन की कमाई, मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब से ₹3500 है, हमें हर दिन आता है $5, $8, $10 ऐसे आ रहा है यूट्यूब से। मैंने आइडियाज दिया और भी लोगों को मिले, क्योंकि परमेश्वर बताता है जब मैं तेरे साथ करुणा करूं, तेरे ऊपर भलाई करूं, तो दूसरों के साथ उसको शेयर कर, मतलब उसको तो साझा कर दूसरों के साथ, ताकि वो भी उस चीज का इस्तेमाल करे। मैंने अपने जो मेरे लीडर्स के साथ मैंने साझा किया, मैंने भैया को बताया, मैं और भी लोगों को बताऊंगा, ऐसा करो, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं माध्यम देगा, तुम कलीसिया के उन्नति का स्रोत मैं तुम्हें देता हूं, तो यहां से इस्तेमाल कर। मुझे इतना विश्वास है कि आने वाले दिसंबर से पहले मेरा जो इनकम होगा सिर्फ यूट्यूब से वो लाखों में होगा, और मैं उसी पैसे से कलीसिया के लिए जमीन लूंगा। हमें ये होगा, हमें ये होगा, क्योंकि मैंने घोषणा करनी आज से स्टार्ट करी। जब मैंने 1 महीने पहले घोषणा करनी स्टार्ट करी, 1 महीने मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मैं आज से घोषणा करूंगा तो दिसंबर तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे वचन को दिया है, तू उस वचन को इस्तेमाल कर। हमें आपको वचन मिला है, आपको वचन मिला है, आप अगर जानते हैं परमेश्वर का आराधना को अटेंड करो, कभी भी छोड़ो मत। मैं आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग लगातार 3 दिन से हमारे संगति में, पूछो उनसे कि आज का वचन उनको कितना ज्यादा अंदर जा रहा है। अमें वो वचन का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आप वचन को केवल सुन के नॉलेज की तरह रख दीजिए, में काम नहीं करेगा, काम तब करना जब आप वचन का इस्तेमाल करो। अमें अगर आप प्रभु के राज्य को ऐसे रिलीजियस ड्यूटी बना दो, भाई कलीसिया तो जाना ही है, आदत बन गई है, नहीं जाएंगे तो परिवार बोलेंगे, नहीं जाएंगे तो कलीसिया के लोग बोलेंगे, नहीं जाएंगे तो समाज में थोड़ी सी बदनामी होगी। आमेन। मैं आपको एक बात बताऊं, कलीसिया ऐसे जा रहा हूं तो पहली बार जा रहे हो, वो ताजगी होनी चाहिए। जब तक तैयार होकर नहीं जाओगे, वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। चाहते हो जीवन में काम करे, मैं विश्वास करता हूं जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आ रहे हैं मीटिंग्स में, वो अब परमेश्वर का आनंद समझ गए हैं, वो आनंद जानते हैं। हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, 8 बजे से कुछ लोग आए हुए हैं, 9 बजे से प्रार्थना स्टार्ट। पूछो कि वो जो 9 बजे से बैठ के प्रार्थना करे तो वो आनंद क्या है परमेश्वर का। मैं क्यों बोलता आने के लिए, क्या इससे मेरा कोई फायदा, आप प्रार्थना करोगे तो मेरा कोई फायदा, आप अपने भाषा करोगे मेरा कोई फायदा, आप अगर पवित्र आत्मा करोगे मेरा कोई फायदा, नहीं फायदा, मेरा क्या फायदा, लेकिन हाँ कलीसिया का फायदा। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया आगे बढ़े। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में क्या होगा। देखिए हमारा लड़ाई मांस और लहू का लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई आत्माओं का लड़ाई है। इस बात को समझो, जो मन में किसी के लिए धारणा बैठाए हुए मेरा दुश्मन है, वो मेरे खिलाफ बोला, मैंने उसे खिलाफ बोला, भूल जाओ, हमारा लड़ाई मांस और लहू का लड़ाई नहीं है। हम अभी वर्षदी से लड़के क्या कर लेंगे, कोई फायदा है, ये मांस और लहू का लड़ाई नहीं है, ये शैतान और प्रभु के बीच की लड़ाई है, जो कि आत्माओं का लड़ाई है। हमें शैतान ने आप पर कब्जा किया है, इसलिए आपके मन में होता है कि आप दूसरों से बात ना करें, ईर्ष्या रखें। मैं बता रहा हूं वो आप नहीं कर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं, शैतान जो आप पर आपको इस्तेमाल कर रहा है उस पर। अब आप बोले कि भाई शैतान मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये लड़का मुझे गलत कह रहा है,
क्या मैं शैतान का इंसान नहीं? कई बार शैतान मुझे भी इस्तेमाल करता है कई चीजों में, ऐसा नहीं है। शैतान सबको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो। लेकिन हाँ, याद रखो, अगर तुम प्रभु के संगति में होगे, शैतान का औकात नहीं तुम्हें इस्तेमाल कर सके। आमीन। वो तुमसे दूर भागेगा। अभी जो तीन दिन से संगति कर रहे हैं, जो हर दिन संगति, जो हर दिन प्रार्थना कर रहा है, क्या शैतान को हिम्मत है कि उसको सट जाए? नहीं सट सकता। जो प्रार्थना नहीं करेगा, जो संगति नहीं करेगा, यकीन मानो शैतान उसको इस्तेमाल करेगा। और ये करवा सकते, वो करेगा। दिस इज वेरी ट्रू थिंग, वो करेगा। ये सत्य है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो, वो आप पर है। हमने क्या बताया, परमेश्वर ने हमें वचन को दिया है, तुम या तो उसे ग्रहण करो या फिर छोड़ दो। तुम नहीं ग्रहण करोगे, तुम्हारे पास वाला वो तैयार बैठा, वो ग्रहण कर लेगा। और यदि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कई लोग, मैंने देखा, मैंने कई बार बोला कि कलीसिया जाते हैं, कलीसिया जाएंगे, यार कलीसिया में कुछ रहा नहीं है ऐसा, कलीसिया में कुछ हुआ नहीं है ऐसा। कलीसिया परमेश्वर का घर है, और वो घर तब एक्टिव होता है जब आप अपना देखो, वो आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग तैयार हो कह रहे हैं उसके लिए बहुत कुछ हो रहा है। आपका मन आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कलीसिया आपके लिए कहां का है कि नहीं है। मन तैयार है तो वो कलीसिया आपके लिए बहुत काम का है, मन तैयार है तो कलीसिया आपके लिए जीरो। आमीन। 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 चलिए आइए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8:8। परमेश्वर क्या कहता है विश्वास के लिए और आत्मा के प्रति? और जो शारीरिक दशा में है, सुनिए, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के दिन को अपने काम में दिन में बदल के चले जाए तो नहीं, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते अपने शरीर में। मैंने क्या बोला, ज्ञान इंद्रियों का अगर इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का एक जगह वचन ऐसा कहता है, और अच्छा है, कार्नल माइंड इज एज ए क्या, एनिमिटी ऑफ गॉड। कार्नल माइंड का मतलब, कार्नल उसे बोलते हैं जो शरीरी अवस्था में चलने वाले लोग हैं। कार्नल किसे कहते हैं, जो शरीर की अवस्था पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं। आमीन। कहता है वचन ऐसा, कार्नल माइंड इज एनिमिटी ऑफ गॉड, यानी कि जो शारीरिक अवस्था वाले लोग हैं वो परमेश्वर के दुश्मन है। भाई, परमेश्वर का दुश्मन, समझ रहे हो, परमेश्वर का दुश्मन का दर्जा। परमेश्वर सीधा बोल दिया कि जो शारीरिक पे चलने वाला वो मेरा दुश्मन है, जो कार्निटी पे चलता है वो क्या है, दुश्मन है मेरा। ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो, परमेश्वर के दुश्मन हो तुम, और परमेश्वर के दुश्मन लगे तुम क्या अपनी जीवन में अच्छी बातों को ला सकते हो? नहीं। देखो, परमेश्वर आपके साथ पूरा नहीं करेगा। जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा तो आपके साथ कौन होगा? शैतान होगा। और जब शैतान होगा तो शैतान कभी अच्छा नहीं होने देगा। आमीन। 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 देखो, आज बहुत अच्छी एक बात हो रही थी, वचन में बताया कि दशमांश दो, अपना टाइथ दो, टाइथ मतलब दशमांश, कलीसिया को दो, अपना उपज का पहला दसवां भाग परमेश्वर को दो। किसलिए दो? अपने बीज को कलीसिया में बो। जब बीज को कलीसिया में बोगे तभी वो पेड़ बनेगा, और जब पेड़ बनेगा तभी वो फल लाएगा। आमीन। आमीन। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि कलीसिया में, अभी सोचो, मेरे पास तो आने का कोई कमी नहीं, मेरा यूट्यूब ऑन हो गया भाई, पैसा कोई कमी नहीं है, किसी को चाहिए तो बताना। आमीन। मेरे पास तो पक्का हेल्प करेंगे, सीधा संपर्क करें। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने क्या बताया, मैं ओवरफ्लो का परमेश्वर हूं, मैं उमड़ने का परमेश्वर हूं। अगर मैं तुम्हें दूंगा तो दूसरे को देगा, फिर भी तेरे पास 12 टोकरी बच जाएगी। आमीन। मन को तैयार करो। मैं बता रहा हूं, कहीं भी पेमेंट करने का वक्त आता है, कहीं भी पेमेंट करने का जब वक्त आता है, सबसे पहले मैं बताऊं, मैं पेमेंट करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं राजा का बेटा हूं, मैं राजा की तरह जीऊंगा, और राजा होता है ना जो हर चीज में आगे होता है, मैं करूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं पेमेंट करूंगा। मेरे पास नहीं होता, पता मैं क्या करता हूं, मैं दोस्त को फोन करता हूं, भाई 500 रुपए भेज, मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट मुझे करना है। आमीन। कई लोग क्या है, रेस्टोरेंट जाएंगे, 5 लोग दोस्त जाएंगे, बैठेंगे रेस्टोरेंट का खाना वाना खा लेंगे, पेमेंट करने का वक्त आएगा, एक दोस्त होगा जेब में आकर बाथरूम से आ रहा हूं, बाथरूम चले जाएंगे, जब तक पेमेंट ना हो जाए तो बाथरूम में हाथ घसते रहते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। आमीन। एक बात बताओ, कब तक ऐसे पेमेंट देने से छुपते रहोगे, कब तक पैसे भरने से छुपते रहोगे, हमेशा खाने वाले बनोगे जिंदगी में? कब तक बाथरूम में जाके समय बिताओगे पेमेंट टाइम में? भाई
पानी खत्म हो जाना बाथरूम, क्या करोगे फिर? अमेन। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम राजा के बेटे हो, भिखारी हो कि नहीं, राजा के बेटे हो तो राजा का लक्षण रखो। जब कभी अगर करने का वक्त आए तो सबसे पहले मैं। अमेन अमेन। कई से कुछ लोग हैं उनके अंदर तो ये चीज दिखता है, बोलते सबसे पहले मैं प्रार्थना बना रहे, मैं खिलाना रहे, मैं सब्जी बोले मेरे, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं बता रहा हूँ वो राजा का असली बेटे है। अमेन अमेन। अगर तुम सब चीजें बोलते हो पहले मैं, किसी के हेल्प करेंगे, मेरे पास 35 आया कॉन्फिडेंस देखो ना, 35 लाख वाला मेरा है, कोई मांगो मेरे तो दे दूंगा मैं। हालेलुया। यूट्यूब से 3500 आया, हमने क्या बोला? मांगो मेरे से। जब मैंने ये कमिटमेंट किया प्रभु ने मेरे दिल को देखा, परमेश्वर मुझे देगा 35 से 35 लाख बनाने में समय नहीं लगेगा। अमेन। और जब वो देगा तो एक कलीसिया मदद करेगी लाखों लोगों की। अमेन। परमेश्वर का वचन आपसे साफ कहता है कि वो कटौती का परमेश्वर, परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हें तराई में नहीं, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर लाकर बिठाऊंगा। हालेलुया। वो हमें तराई पर नहीं बिठाता है, वो नीचे पर नहीं बिठाता, वो आपको ऊंचे पर बिठाता है, जहां पर आप बैठना चाहते हो, जहां पर आप इच्छा करते हो। हे परमेश्वर, काश मैं वहां पर होता, काश मैं उस स्थान पर होता। अगर आप अपने मोहल्ले के सबसे रिचेस्ट पर्सन को देखते हैं, आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी को देखते हैं, आपका मन करता होगा कि भाई काश मैं उसकी जगह पर होता। मैं आपको बता रहा हूं, आज से घोषणा करना शुरू करो, तुम उससे ऊंचे पर बिठाए जाओगे। आमीन। और जब बिठाए जाओगे तो मोहल्ला तुम्हारी बातों को सुनेगा। आमीन। संगति नहीं करोगे, वचन नहीं आएगा, वचन नहीं आएगा, वचन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रोस्पेरिटी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। प्रोस्पेरिटी मतलब परमेश्वर का ग्रेस। मैंने घोषणा कराई थी लोगों से, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक, उसकी उदारता, उसका बढ़ोतरी, उसका उदारपन मेरे जीवन में आती रहे। आमीन। मेरे जीवन में आती रहे ताकि मैं उस भाग को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मैं उसको पालूं। आमीन आमीन। एक वचन निकालिए उत्पत्ति 22:18, परमेश्वर क्या कहता है उन लोगों से जो उसकी बातों को मानते हैं। उत्पत्ति 22:18, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। क्यों धन्य मानेगी? तुमने परमेश्वर के वचनों को माना। आमीन। जब तुम परमेश्वर के वचनों को मानते हो, परमेश्वर सीधा कहता है कि तू ही नहीं, तेरा वंश पूरे तरह बिगड़े भी निकल जाए, मैं उसे सीधा कर दूंगा। अभी कभी आज मैं इतना ज्यादा परमेश्वर के वचनों पर चल इसलिए रहा हूं, मेरे घर वाले सारे लोग, मेरे लीडर्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो पवित्र हो। हमें वो सामर्थ्य हो। हमें वो चाह के भी ना बिगड़ पाए। अभी हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जो है, ग्रेस है। मैं नहीं चाहता हूं कि शैतान को चंगुल मिले, तो हमें अपने वंश के लिए आशीषी ठहरना पड़ेगा। हमें अगर मेरे लिए काफी छोटे बच्चे हैं, क्या आपको उनका चिंता नहीं है? अगर चिंता है तो खुद को परमेश्वर के वचनों पर ढालो ताकि वो जो तुम्हारे ऊपर जो आशीष है वो तुम्हारे बच्चों के ऊपर हो, तुम्हारे घराने के ऊपर। अब्राहम के ऊपर जो आशीष था वो सारा के ऊपर गया। सारा का विश्वास उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब्राहम के विश्वास के कारण उसका आशीष और ग्रेस सारा पे भी था। तभी तो 80 साल की उम्र में कितनी खूबसूरत थी, राजा ने उसे पसंद कर लिया 80 साल की उम्र में। आंटी जी का 75 साल है, इनसे भी बड़ी थी सारा, इनसे भी बड़ी थी। और कितनी खूबसूरत के राजा बोला कि ये लड़की मुझे चाहिए। हमें 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने लड़की का दर्जा उसे दिया। यह परमेश्वर का नया पद। जब परमेश्वर पूछे, जब लोग आपसे पूछे कि तुम्हारे त्वचा का राज क्या है, तुम्हारा स्किन इतना चमकता कैसे, उसे बोलो ये मत बोलो लैक्मे यूज करता हूँ, ये मत बोलो कि ओले कंपनी का यूज करता हूँ, बोलो कि परमेश्वर की संगति का असर है। हमें परमेश्वर की संगति आएगी तो ग्लो बढ़ जाएगा। हमें हालेलुया हालेलुया आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेस वॉश ना करें, आप कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, एक और हम लोग वचन को देखेंगे, इब्रानी 11 का एक फिर से हम लोग पढ़ेंगे। 11 का एक, इब्रानी 11 का एक, विश्वास के प्रति परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे। हालेलुया हालेलुया। एक बार कलीसिया जोर से चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। सबके हाथ उठने चाहिए हालेलुया।
प्रकार निश्चय। देखिए अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब छह पढ़ेंगे इसका, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, सुनिए, परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर कहता है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर तुम विश्वास न करो और तुम अपने पूरे बुद्धि से, मन से, दिल से कहीं से काम करो, अनहोना है, नहीं प्रसन्न कर पाओगे, विश्वास है नहीं, जीरो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं लोगों को देखता हूं, कहीं पार्टीज में जाना हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, उनका काम उनके अरे नहीं आता कि तुमने पार्टी फंक्शन में जाना होता है। लेकिन जब कलीसिया की बात आए, उनका काम वहां पर आ जाता है। सेलिब्रेशन करना हो, उस वक्त कलीसिया, उस वक्त में ये काम अरे नहीं आता है। उस वक्त जब आपको कलीसिया जाना हो, उस वक्त काम आ जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो यहाँ का बुद्धि लगा रहे हो, जो आप ये ऑर्गन से यूज करो, मैं आपके द्वारा, कान के द्वारा, मैं अपना तेज बन, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस काम के लिए आप रुक रहे हो, काम ठप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस शरीर पर आप घमंड कर रहे हो, बीमारी से परमेश्वर शरीर को भर देगा। याद रखो, यहूदा इस्करियोती लास्ट में फांसी लगा लिया, क्योंकि वो उस गिल्टी को, वो उस रिग्रेट को सह नहीं पाया, शैतान उसके मन में काम कर लिया। अगर तुम सोचते हो कि मेरा कलीसिया अच्छा नहीं है, मेरे कलीसिया के लोग अच्छे नहीं है, मेरा पास्टर अच्छा नहीं है, अरे यीशु मसीह से अच्छा कोई लीडर था क्या? यीशु मसीह से अच्छा कोई पास्टर था क्या? फिर भी यहूदा ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब यहूदा खराब नहीं था भैया, यीशु मसीह खराब था, क्योंकि वो एक अच्छा अगुवा नहीं था। आमेन। वो आप खुद को तैयार करते हैं कि आपका अगुवा आपके लिए अच्छा है कि खराब है। समझ रहे इस बात को? सर समझ रहे हैं? परमेश्वर का राज इसमें नहीं कि तुम्हारे अगुवा कैसे हैं, परमेश्वर का राज इसमें है कि तुम परमेश्वर राज को देखते कैसे हो। हालेलुया। तुम अपने आंखों के आगे पवित्र आत्मा का वो पर्दा लगा लो। मैं बता रहा हूँ, सब चीजें अच्छी दिखेंगी, आपका कभी किसी से लड़ाई नहीं होगा, कभी ईर्ष्या नहीं होगी। माफ करना सीखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, माफ करना सीखो लोगों को, क्योंकि हमारा लड़ाई मांस और लहू का लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई ब्लड और फ्लैश का लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई बॉडी टू बॉडी का लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है सोल टू सोल, पवित्र आत्मा और शैतान के बीच की लड़ाई है, ये आत्माओं के बीच की लड़ाई है। हालेलुया हालेलुया। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा को नहीं रखोगे तो इस मंदिर में कौन आके वास करेगा? शैतान। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को अगर वास करवाना है तो पवित्र आत्मा की संगति में आपको बैठना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई लोग ब्लेसिंग मांगते हैं, परमेश्वर मुझे दे, परमेश्वर मुझे दे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, परमेश्वर जब दे देता है उसके बाद देख लो उसका रवैया बदल जाता है। मैं बता रहा हूं, नुकसान आपका नहीं है, परमेश्वर का कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, कलीसिया से एक लोग जाएंगे तो 100 लोग आएंगे, ऐसा विश्वास है मेरा, और कलीसिया पढ़ेगा। हालेलुया। जिसको जाना है वो क्लियरली स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपका तय दिल से स्वागत है इस बात के लिए भी कि आपको जाना है, क्योंकि आप यहाँ परमेश्वर के लिए, किसी इंसान के लिए, अगर आप यहां से जा रहे हो तो आप परमेश्वर के भवन से जाओगे, किसी इंसान के पास से नहीं। इंसान का क्या है, आप कभी किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको। आप सोचो मैं जिंदगी भर एक इंसान पर्टिकुलर व्यक्ति को खुश करके रहूं, मैं भी नहीं कर सकता हूं। मैं हमेशा अपनी मम्मी को खुश नहीं रख सकता, कभी ऐसा होगा वो मुझे डांटेगी, मुझे सुनना पड़ेगा। हालेलुया आमेन। कभी होगा कि वो भी बेस्ट मम्मी नहीं बन के रह पाएगी, वो भी एक वक्त आएगा वो भी गलत होगी अपनी जगह पर, और हम बच्चे उन्हें डांटेंगे, ये होता है, हम इंसान है। हालेलुया। लेकिन अब तुम सीधा परमेश्वर से पैर कर लो, परमेश्वर के सामने तन के खड़े हो जाओ तो क्या होगा? परमेश्वर बेस्ट है, ये बात याद रखो, तुम बेस्ट नहीं हो, परमेश्वर बेस्ट है, उससे गलती नहीं हो सकती। हालेलुया। उसके सामने तन के मन खड़ा होना, और कभी भी कलीसिया में हाथ पीछे करके खड़े मत होना, दिस इज द डिसरिस्पेक्ट पोस्चर। ये जो पीछे करके लोग खड़े होते हैं कलीसिया के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, आदरणीय नहीं है ये चीज। कलीसिया में हाथ पीछे खड़े होकर, हाथ पीछे होकर आप किसी तरह खड़े होते हो, जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो कि मैं इसके सामने दावेदार हूं,
मैं इसके सामने मैं इसके बराबर तो ऐसे आप ऐसे एटीट्यूड में परमेश्वर का कलीसिया है तो हाथ आगे करके झुककर हाथ उठाकर सरेंडर करके परमेश्वर के सामने आओ। आमीन। ये आदर का जगह है, ये कोई खेल नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, ये मीठापुर नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। आदर भय आत्मिक भय बहुत जरूरी है, समझ रहे इस बात को सब लोग? हालेलुया हालेलुया। आराधना कैसे करनी है, दान क्यों देना है, कैसे देना है, वचनों को कैसे सुनना है, इस बात को समझ जाते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में किसी भी चीज की घटी को तुम नहीं देखोगे। आमीन आमीन। अभी लोग मैं आमीन बोलने बोलता हूँ, उनका हाथ इतना भारी होता है वो हाथ नहीं उठा सकते। हालेलुया। उनका हाथ इतना भारी होता है कि वो उठा नहीं सकते हैं। अभी ये लड़की कीबोर्ड पर जा रही है पिछले दो घंटे से खड़े होकर, इसका पाँव नहीं दुखता क्या? मैं खड़ा होकर यहाँ पर वचन बोल रहा हूँ, मैं बैठ के अपने हाथों को दर्द देता हूँ। अब तो मैंने बीड़ा उठा, बजा भी रहा, गा भी रहा, गला भी जा रहा, हाथ का मेहनत भी जा रहा है। परमेश्वर ऊपर से क्या दे रहा है, डॉलर भेज रहा है क्या? परमेश्वर का भय। अगर आपका चेयर पे बैठ के हाथ नहीं उठ रहा है, मैं बता रहा हूँ कलीसिया से चेयर छीन ली जाएगी। हालेलुया। अगर आप हाथ नहीं उठा रहे हो, आपको बैठ परमेश्वर के लिए आप खड़े होकर दंड दे रहे हो, दरी छीन लिया जाएगा, कलीसिया छीन ली जाएगी। अभी कुछ लोगों का प्रार्थना है जो कलीसिया में सब कुछ है, सब वैसे हो गए ना, कलीसिया में बैठ नहीं पाओगे। हमेशा आपको गुड गुड अच्छा अच्छा वचन नहीं मिलेगा, कभी का वचन भी हो जो दिल पे लग जाएगा वो लगना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, गुप्त प्रेम से कई बार डांट होता है खुला। हालेलुया। तो खुले डांट को एक्सेप्ट करो, ये किसी के ईगो पे हर्ट ना हो, क्योंकि ये एक वचन है और ये वचन सबके लिए है। आमीन। क्योंकि मसीह में जब पढ़ना है तो बच्चे से बड़ा तो होना पड़ेगा, और जब बच्चे से बड़े लोग होते हैं, एक बच्चा जब स्कूल जाता है उछला यूनिफॉर्म शर्ट पहना है तो, लेकिन स्कूल से आता तो एक पीला कर लिया था, लाल कर लिया, गंदा गिरा लिया, क्या आप उसे नहीं डांटते हो? आप बताओ, डांटते ही हो ना, जान तो नहीं मानते हो, क्या है सर के अंदर, आज से गर्दन काटेंगे, ये जी लगे चाकू आज साफ कर दे, नहीं करते हो। डांट लगाया, दो थप्पड़ लगाया, फिर से उसको शर्ट को लिया, खींचा, पहना दिया, फिर से व्हाइट शर्ट। आमीन। कलीसिया कभी भी आपको त्यागी की नहीं, इस बात का बिल्कुल भी ख्याल रखना, ठीक है? कलीसिया आपको हमेशा प्यार करती है, करती थी और करते ही रहेगी। आमीन। कलीसिया आपको हमेशा प्यार करेगी, लेकिन हाँ, जब वक्त आएगा, जब शर्ट गंदे करोगे, डांट पड़ेगा। लेकिन हाँ, याद रखो, डांट भी इसलिए है क्योंकि मेरा बेटा सुंदर दिखे। अभी एक काम करो, वही गंदे शर्ट पहन के स्कूल को भेज दे तुम्हारी मम्मी तुम्हें, तो क्या स्कूल में सब मजाक तुम्हारा नहीं उड़ेंगे, अरे गंदा शर्ट पहन के आया, मम्मी ध्यान नहीं देती क्या, ये वो कैसा गरीब घर का, बोलेंगे ना? हम इसलिए डांटते हैं ताकि तुम आगे से उस गलती को ना करो, कि तुम सबके सामने अच्छे दिखो, उसके पीछे एक प्यार छुपा होता है। माँ शर्ट के लिए मारती है, इसके पीछे उसका प्यार छुपा होता है कि मेरा बेटा साफ पहने, मेरा बेटा जब 20 लड़कों की जगह सबसे बेस्ट वो दिखे। मेरी मम्मी को इतना घमंड है, मेरा बेटा सबसे स्मार्ट, मेरे स्मार्ट लोग घूम रहे हैं भाई, इनको घमंड है कि मेरा बेटा, तो होना चाहिए। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार ऐसा ही होता है, उसका एक माँ का बेटा कितना भी काला क्यों ना हो, उसको नाम दे गुलाब जामुन, लेकिन निगेटिव नहीं ले लिया, पॉजिटिव कर दिया उसको। हालेलुया। उसको गुलाब जामुन बना दिया, एक मिठाई बना दिया। आमीन। मतलब कि उस नकारात्मक बातों से भी माँ ने प्रेम के द्वारा उसको पॉजिटिव वे में बदल दिया। हालेलुया। आमीन। बहुत सारे गुलाब जामुन हमारे गली से हमें, हालेलुया, और बहुत सारे व्हाइट वाले भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबको एक बराबर प्यार करता है। हालेलुया। सब प्रभु के नाम में ब्लेस्ड है, सब ब्लेस्ड है, कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर के राज्य में पीछे है, सब आगे है। पता है परमेश्वर ने सबको ऐसे करके खड़ा कर दिया, एक लाइन से खड़ा कर दिया, और सबके आगे दे दिया पानी का बोतल। कोई हाथ बढ़ाकर ढक्कन खोल के पी रहा है और कोई उस बोतल को देख रहा है। एक बात बताओ, परमेश्वर ने सबको दे दिया, जब परमेश्वर ने सबको दे दिया तो हाथ को आगे बढ़ाओ, उठाओ और पियो और प्यास बुझाओ। आमीन। यहाँ पर की सारी लोग लाइन में खड़ी है, सबके आगे उस पवित्र आत्मा का बोतल रखा हुआ है, उस आशीष का, उस पवित्र आत्मा का, उस ब्लेसिंग का बोतल रखा हुआ है। हाथ को आगे बढ़ाओ, उठाओ, ढक्कन खोलो और पियो और उस अमृत जल का मजा लो। हालेलुया। हमने ले लिया, हमने बोतल उठाया, ढक्कन खोला और पी लिया, मजा आ गया। आमीन। बिस्लेरी का ओरिजिनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी वाला पानी नहीं है, ओरिजिनल बिस्लेरी है। हालेलुया हालेलुया। अपने ब्लेसिंग को अपने आलसपन के कारण मत रखो,
चेयर पे जैसे हाथ रख के बैठ जाते हैं, अपने गोद पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जब हालेलुया बोलते हो तो हाथ उठाओगे तो परमेश्वर का ये भवन है। परमेश्वर आदर एक एक लोगों से चाहता, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हो, जब हालेलुया का नारा लगे एक एक हाथ ऊपर आसमान तक उठे, हालेलुया वेरी गुड। परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का अभिषेक है, हालेलुया। परमेश्वर वचन से कहा ज्ञान इंद्रियों से प्रभु की आत्मा में खोज करना, हालेलुया हालेलुया। देखो आज मैं कई लोगों को मैं देखता हूं, उन्हें परमेश्वर का प्रचार करने का मौका मिलता है, लेकिन वो इस चीज को ऐसा बोलेंगे ना कि मतलब अच्छा पवित्र, अच्छा प्रचार करना ठीक है, अच्छा गाना गाना है, कर ले कर ले। यार परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज ऐसा कहता है कि परमेश्वर के राज और धन की खोज करो, खोज करो मतलब कि ढूंढो उस चीज को। अभी याद रखो, अगर आज वर्शिप करने का मौका मिला इन बहनों को, इस भाई को वचन बोलने का मौका मिला, मुझे वचन बोलने का मौका मिला, अगर मैं इस वचन को और भी ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझसे ये मौका छीन लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। आमीन। मैंने एक पास्टर के बारे में आपको बताया था, अफ्रीका के पास्टर, उसके पास पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक था, उसको बदनाम करने के लिए लोगों ने क्या किया, उसके हृदय में एक वेश्या को उसके वॉर्डरोब में रख दिया छुपा करके, और कैमरा लगा देते, जैसे ही वो अंदर जाएगा वो वेश्या बिना कपड़ों के उसके पास जाएगी, वीडियो बना लेंगे, उसको बदनाम कर देंगे पास्टर के बारे में। लेकिन क्या हुआ वहां पर, वहां पर ये हुआ कि प्रातः भाव जैसे ही गेट को खोला और सीधा घुटने पर बैठ गया वो पास्टर, और प्रार्थना करने लगा ना भाषा में पवित्र आत्मा भरकर, क्या हुआ उस वॉर्डरोब के अंदर जहां वो छुपी हुई थी बिना कपड़ों को बोले की, वो पूरा अंदर अचानक चिल्लाने लगी, मैं जल रही हूँ, मैं जल रहा हूँ, पूरा वहां पर जल गई बिना आग का, उसका बॉडी पूरा जल गया, बॉडी जला हुआ, जब वो निकली वहां से ऐसे गिर गई निकल करके, पूरा बॉडी जला हुआ था बिना आग का, वो जल गई। किसका आग था, पवित्र आत्मा का आग। वो ऐसा कहता धर्मी जन को अगर कोई भी ऐसा विरोध करने वाला आत्मा आता है या कोई ऐसे लोग, परमेश्वर उससे पलटा लेता है, उसका बदला लेता है। फिर क्या हो गया, उस पास्टर का खौफ फैल गया उस जगह पर, परमेश्वर ने उसको क्या किया आदर दिया, परमेश्वर ने क्या दिया उस पास्टर को आदर दिया। फिर क्या हो गया, उसने क्या किया उस आदर का मिसयूज किया उसने, अब उसके नाम का क्या हो गया ना, काफी खौफ उठ गया। परमेश्वर जब आपको देगा तो आपके पास उस दिन तक ठहरेगा, वो आपके पास है कि आप उसको कब तक बनाकर रख सकते हो। तावा जब गर्म करते हैं, ऑफ कर देने के बाद कुछ टाइम तक वो गर्म ही रहता है, धीरे धीरे वो बुझ जाता है, फिर से उसे गर्म ही रखना है तो फिर से क्या चला लो। आमीन। सेम चीज पवित्र आत्मा आपको देती है, फिर वो रोक देती है कि तुम कब तक उसको कंटिन्यू रखते हो। उसने क्या किया, उसको जब तक मिला, फिर वो जो उसके विरोध होता था उसके लिए वो प्रार्थना करता था, वो इंसान मर जाता था, कुछ बुरा उसके लिए हो जाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक उसके अंदर थी, और एक वक्त आके धीरे 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 वो खत्म हो गया। आमीन। पर परमेश्वर ने उसके पास से देखा कि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर ने वो अभिषेक जो उसके पास था, जो प्रार्थना लोगों के लिए करता था, सुन लिया था, उसको परमेश्वर ने छीन लिया। उससे फिर चंगाइयां ना हुई, कुछ नहीं हुआ उससे, उसकी कलीसिया टूट गई। परमेश्वर आपको देता है प्रॉस्पेरिटी, आपको अधिकार देता है, आपको शक्ति देता है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल और एक संतुलन में अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, हर दिन बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप एक काम करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे, अरे मैं तो हूं जो हूं, परमेश्वर का सीधा अभिषेक मेरे परमेश्वर सामने, कोई इंसान इंसान नहीं, सब मेरे सामने छोड़े, ये जैसे ही आ गया भैया, याद रखो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, घमंड ये नाश आने से पहले घमंड आती है। अगर आपके जिंदगी में नाश आ गया, याद रखो उस दिन पहले शायद तुमने घमंड किया होगा, इसलिए आज नाश है। आज लोग बीमारी में है, याद करो कुछ दिन पहले तुमने घमंड किया होगा, या कलीसिया के विरोध में कुछ किया होगा। दो ही केस में आता है जीवन में विपत्ति, या तो घमंड या कलीसिया। कलीसिया विरोध करते कब, जब अंदर में घमंड आता है। उस स्वर्गीय कलीसिया का विरोध किसने किया था, लूसिफर ने किया था। उस स्वर्ग जैसे कलीसिया का विरोध लूसिफर ने किया, क्यों किया, क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया, उसके मन में घमंड आया, उसने विरोध पर वो खड़ा हो गया। आज कलीसिया के विरोध में जो खड़े हैं, मैं आपको बताता हूं, लूसिफर की आत्मा आपके अंदर काम करिए, आप घमंड में हैं, हालेलुया, आप घमंड में हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, और जो विरोध में उसके अंदर घमंड नहीं, क्योंकि देख लो लूसिफर सीधा बताता उसका जीवन कि वो क्यों खिलाफ खड़ा, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले घमंड आया, घमंड आया विरोध में आ गया। आमेन। सोच लो अभी आज बैठो प्रार्थना में घुटने पर, परमेश्वर से प्रार्थना करो, बोलो हे परमेश्वर मेरे मन में किस किस लोग के लिए विरोध है, क्या मैं आर्थिक भावों के लिए मन में विरोध रखा है मैंने, यानी कि मैंने उनके प्रति घमंड रखा है,
क्या मैंने अनुष्का के लिए रखा है तो क्या मैं उसके प्रति विरोध है? इसका मतलब कि मेरे अंदर उसके लिए घमंड, मतलब कि मैं उससे बेस्ट हूँ। आपको घमंड कब होता है कि आप समझते हैं मैं सामने वाले से बेस्ट हूँ, तभी आप उसके खिलाफ करते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि सामने वाले से मैं क्या हूँ, ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए आप उसके विरोध में जाते हैं कि मैं उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप क्या करते हो? हमें परमेश्वर आपको भी अगुआ ठहराएगा अगर आप अगुआ वाला सोच रखो। आपने तो अगुए से बलवा कर लिया तो परमेश्वर आपको अगुआ को बनाएगा। हालेलुया। अगुआ बनना है अगुआ वाला सोच रखो, एक लीडरशिप वाला सोच रखो। अब कितने लोग ऐसे बोलेंगे कि आशुतोष ने मुझे बुरा बोल दिया? कितने लोग ऐसा बोलेंगे कि आशुतोष घमंड करता है? कितने लोग ऐसा बोलेंगे कि आशुतोष बस अपना चलाता है? कई लोग बोलते हैं यार, लेकिन मैं खुद अपना नहीं चलाता हूं। परमेश्वर जब प्रार्थना मुझे देता है, प्रार्थना के दौरान वो जो आइडियाज आते हैं मेरे अंदर, मैं उसको कलीसिया में रेगुलेट करता हूं, उसको स्थापित करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन मेरे मन की ओर से आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब तुम आत्मा में होगे, जो शरीर में होते हैं वो शरीर के सुनते हैं और जो आत्मा में होते हैं वो आत्मा के सुनते हैं। आमीन। जब आप आत्मा में होगे परमेश्वर का वचन आपके अंदर से बोलेगा, और जब शरीर में होगे जो भी आएगा शैतान की ओर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातों को समझ रहे सभी लोग? हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन का रेफरेंसेस मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता हूँ कभी भी। मैं जानता हूँ किसी का भी जीवन बदलने के लिए एक वचन काफी। गीत गाते हैं ना, तेरा एक वचन काफी है, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति को यीशु। हालेलुया। सच में एक वचन काफी। मैंने इसको एक दिन पकड़ा, आप भी पकड़ लो वचन। हालेलुया। मैंने कही मेरा 5-6 फेवरेट वचन मैं बोलता हूं, हर दिन मेरे मुंह से अगर 10 बार ना निकले ऐसा हो ही सकता है। और मेरे भाइयों से पूछ लो, मेरा भाई जो मेरे साथ पहले था ना, कजन मेरे भाई, पहले मेरे तरफ कैसी बातें होती और अब मेरे तरफ कैसी बातें तो बोलते हैं वो, सोचते भी भाई साहब। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रहेंगे ना ऐसे, आपके आसपास के लोग भी वैसे हो जाएंगे। आप बोलते ना मौका मिलेगा तब तो बताएंगे वचन। अरे वचन बताओ, मौका मुंह मौका मिलेगा आपको। हालेलुया। आपके आसपास वाले वचन के तैयार हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर बोलता है विश्वास करो, मैं अच्छी चीजों को दिखाऊंगा। हम बोलते परमेश्वर दिखाओ फिर मैं विश्वास करूंगा, परमेश्वर विश्वास कर मैं दिखाऊंगा। हम बोलते हैं हमको दिखाओ करें, चल डीवर चल, परमेश्वर दिखा, परमेश्वर विश्वास कर, परमेश्वर दिखा विश्वास कर, परमेश्वर बोलता है विश्वास कर मैं दिखाऊंगा। और क्या ही फायदा है ऐसा विश्वास का जो मैंने दिखा दिया, दिखाने के बाद तक कुत्ता भी विश्वास कर ले, दिखाने के बाद तक कोई हड्डी से हड्डी मनुष्य विश्वास कर ले, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम आत्मिक लोगों का? तुम आत्मा में हो तो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करो, निश्चय करो को मेरे लिए हो जाए, और देखो फिर देखो परमेश्वर कैसा करता है। आमीन। आज का वचन कितनों ने पकड़ा है, आज का वचन कितनों ने पकड़ा है? हाथ भारी हो गया। हालेलुया। अपने हाथ को भारी मत ले दो, अपने हाथ को हल्का रखो। हाथ को भारी करोगे ना, मैं बता रहा हूं कितना दिन काम कर पाओगे, परमेश्वर गुस्सा हो गया ना, नहीं काम कर पाओगे फिर, ये हाथ में कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं यही बोलता परमेश्वर आपको, मैं क्या कह रहा हूँ कनेक्शन समझो, परमेश्वर आपसे जब दूर जाता है तो कौन आपके पास आता है? शैतान आता है, और शैतान आपके हाथों से गलत कामों को करवाएगा, वो आपके हाथों से घात करवाएगा। कैन और हाबिल दोनों आदम और हवा के बच्चे थे। आदम और हवा किसकी सृष्टि? परमेश्वर की सृष्टि। कैन हाबिल भी परमेश्वर की सृष्टि, लेकिन एक हाथ घात करने वाला बन गया क्योंकि उसने परमेश्वर की संगति को थोड़ा कम किया था, विश्वास कम था, तो वो हाथ जो परमेश्वर ने बनाए थे वो हाथ अब शैतान के लिए काम करने लग गया क्योंकि उसने परमेश्वर की संगति कम करी। हालेलुया। और वहां पर भी गलत काम कैसे हुआ? उसने अपने भाई से जलन किया। जलन कब किया? परमेश्वर ने उसको चुना तो उसने बोला, उसके अंदर आया कि यार मैं अपने भाई से कम हो गया, परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं चुना?
और जैसे ही घमंड की बात आई तो क्या होगा, अपने भाई के विरोध में खड़ा हो गया। जैसे विरोध में खड़ा हुआ तो उसने क्या किया, उसने घात किया, और जैसे ही घात किया परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया उसे। और हमारा परमेश्वर सजा देता था कब, पुराने नियम में वो सजा देता था, लेकिन वो क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है पिता को कोई भी नहीं जान सकता, पिता को वही जान सकता है जो पुत्र को जानता है। आमीन। और पुत्र को हमने जाना कि वो पुत्र कितना भला है, उसने हमारे लिए जान दी। हालेलुया। पुराने नियम में लोग नहीं जानते थे कि हमारा पिता कैसा है, वो डरते थे, वो परमेश्वर कहीं मेरे से गुस्सा हो गया तो मेरे ऊपर कुछ सजा न देते, मुझे कोड़ ना देते, मुझे मृत्यु ना देते। आमीन। वो डरते थे क्योंकि वो पुत्र को नहीं जानते थे, पुराने नियम में पुत्र को नहीं जानते थे, उसको यीशु मसीह नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आया उसने बोला, सबने बोला अरे तू बड़ा स्मार्ट बन रहा है, तू सबक के दिन में लोगों को चंगाइयां दे रहा है, तू मूसा के व्यवस्था का विरोध कर रहा है, तू मूसा से पहले का है, तू मूसा से ही बड़ा है क्या? उसे तो पता है यीशु ने क्या बोला, बिफोर मोसेस आई एम, मूसा से पहले मैं था। आमेन। फिर वो स्वयं पिता था। हालेलुया। वचन ऐसा बताती है कि पिता ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना स्मॉल, इतना छोटा कर दिया, इतना माइक्रो कर दिया कि हम उसको देख के सीख सके। हालेलुया। क्या सीखे? शैताना के कान के पास बोलता, सुन सुन सुन, पत्थर पे रोटी बना, सुन छत से कूद जा, तेरा वचन है, तेरा पिता है बचालेगा, सोलू का हाथों उठा लेंगे, रोटी बनाए खा लेगा, पेट भर जाएगा। उसने बोला यीशु मसीह ऐसे कर सकता ना, शैतान उड़ जाता। परमेश्वर को वहां पे हमें सिखाना था। उसने क्या बोला, ये शैतान तो बड़ा वचन से बात कर रहा है, वचन ये भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो उसके वचन से भी जीवित रह सकता है। वचन ये भी कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है कूदने की, मुझे परमेश्वर को जांचने की जरूरत नहीं है, मेरा खुदा वाला जो टेस्टेड है। आमेन। हालेलुया। जांचना तो अपने मन को जांचो, परमेश्वर को मत जांचो, उसने तो आपको दे दिया। भाई तुम होते कौन हो जो परमेश्वर को तुम बोलो कि मुझे करके दिखा फिर मैं मानूंगा? अरे मूर्खों, ऐसा अगर सोचते हो तो परमेश्वर सीधा बोलता है, परमेश्वर ऑलरेडी टेस्ट, उसने आपको दे दिया। ये बातें बोलकर खुद को मूर्ख ना बनाओ और लोगों को भ्रमित मत करो। परमेश्वर ना, अगर परमेश्वर ऐसा महान है, वो स्वर्ग से, आप उसके सामने इतने छोटे हैं जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, कि परमेश्वर अगर करके दिखाएगा फिर मैं मानूंगा। परमेश्वर का स्वर्ग से माइक्रोस्कोप ले लिया, उसको जूम करता जाए, जूम का भी जूम करे फिर भी वो नहीं दिखेगा, इतना छोटा है वो परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर उसको प्रूफ करने के लिए कुछ काम करे, क्यों करे भाई? अरे परमेश्वर का तुम्हारा कोई औकात नहीं है और तुम परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हो। आमेन। याद रखो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमेन। वो एक प्रचंड वाला परमेश्वर भी है। आमेन। लेकिन वो किसके लिए? सिर्फ शैतान के लिए, आपके लिए। आमेन। हमारा पिता है भला पिता, बोलो हमारा पिता भला है, हमारा पिता भला है, करुणा और भलाई मेरे साथ है, चंगाई मेरे साथ है। वो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमारे साथ है। बोलो मैं पटना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बोलो पूरे बिहार का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बोलो मैं सबसे खूबसूरत हूँ यीशु के नाम में, बोलो गरीबी मुझे छुएगी नहीं, अमीरी मुझे पकड़े रहेगी, मेरे हाथ ऐसे मजबूत हो कि मैं भर भर के दूं। आज मैंने ये लिफाफा इसके लिए सब इसको बोलना नहीं है, हो गया। आमेन। आज मैंने कलीसिया में लिफाफा सिस्टम किया है। लोग पता क्या करते थे, मैंने देखा था कई बार, मैंने क्या बोला, परमेश्वर कलीसिया एक आदरणीय की कलीसिया है, आदर ऑनर। लोग आते थे, दीदी जेब से निकाला पैसे, ये लोग थे 5000 में, मेरे 10 प्रार्थना करें। दीदी को पैसे दिया, शायद वो पैसा आपका जिस मन से आपने दिया ना काम नहीं आया, दसवां अंश वो आप खुद के बढ़ोतरी के लिए देते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, when your seeds die, God will multiply. Amen. अगर आपका बीज जाके मरेगा तभी वो फल लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका सीड जब जमीन के अंदर जाता है, वो अपने आप को मारता है, वो पेड़ लेके आता है।
कमाते हो 10,000 रुपया, 1,000 देने में झिझको मत। वो आपका 1,000 वो 10,000 कमाई को 1,00,000 में कब बदल देगा नहीं पता चलेगा। हमें ये जीवित कमाऊं मैं, हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग तैयार हैं तो वो भी अपने चीजों को इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें हमें अगर जेब में पड़े हैं पैसे, ये मत सोच कि मैं कहां पे खर्च करना है या मुझे यहां पे काम है वहां पे काम है। वो काम शायद एक ही बार होगा, लेकिन करके देखो। और मैंने रात को दे दिया, पता है क्यों? मुझे मालूम भी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रचार करता हूं मैं YouTube पर डालता हूं, कई लोग मेरे विश्वास में आ गए, मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। कल रात को 10,000 रुपए किसी ने फिर भेजा, ठीक है। और रात को जब भेजा, मैं फोन पे भाई के साथ अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमें मैं आया था, हम लोग घूम के आए थे रात को, नाइट आउट में सब भाई गए थे, घर के लड़के सारे गए थे, हम लोग घूम के आए। आने के बाद नोटिफिकेशन बहुत सारा आया, देखा 10,000 रुपए क्रेडिट मिलो, पुराना कोई होगा। मैं ओपन किया तो फ्रेश आया हुआ था, किसी ने भेजा, नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कई लोग जब भेजते हैं गुप्त में, वो मुझे भी नहीं पता, मैं भेज रहा हूँ बस, भेज देते। आया, मैंने सीधा बोला कि परमेश्वर, उस वक्त में परमेश्वर ने वहां से आकर मैंने सीधा फोन किया कि भाई मैंने तुझे नोटिफिकेशन देखा, मैंने मैसेज देखा, मैंने तुझे भेज दिया पैसे। और मैंने पता कितना भेजा उसको, 3500 नहीं 4,000 मैंने उसको भेजा। आमेन। कि वो जो 5,000 एक्स्ट्रा उसके लाइफ में जाएगा, वो 5,000 को, वो 500 जो बचा है उसके पास, जो मैंने दोस्त मैंने हेल्प किया, 3500 उसको दे देगा, 500 वो रखेगा। मैंने बोला तू रख, तेरे काम आएगा। और वो जो 500 जहां जाएगा वो इस्तेमाल करेगा, बता रहा बहुत जल्दी वो मसीह में आ जाएगा। आमेन। कि वो जिसने दिया था वो मसीह नहीं था, वो गैर मसीह है। वो मैंने इसलिए उसको दिया, मैंने उसको एक बीज इसके जीवन में दे दिया कि ले तू मेरे मसीह के पैसे को खर्च कर, मैं बता रहा हूँ तू आत्मा को बचाने वाला अपने का। और वो 500 मैंने बो दिए वहां पर, मैं रख सकता था 500 में, आज भाई अगर कुछ कर सकते थे, मस्त पार्टी। मैंने क्या किया, मैंने बीज बो दिया। आमेन। परमेश्वर को तुम्हारा सब कुछ है। आमेन। हम लोग बोलते तन मन धन, तन मन बचपन से बोलते हैं, लाइन जो रट लिया आपने, तन मन धन को जीवन में लागू करो। जो धन है बचा के रखोगे शायद वो तुम्हें लिमिट रह जाएगा, लेकिन जरा उसको लिमिट से खोल के देखो और उसके बाद देखो कैसे बढ़ जाएगा। आज का मेरा टॉपिक ये नहीं था, क्या नहीं तेरे में बोला था, परमेश्वर कैसे घुमा के यहाँ पे ले आते, क्योंकि आज कलीसिया सोचती कि हम दे रहे हैं तो क्या चल रहा है। अरे भाई मेरा हो गया ऑन यूट्यूब वाला, धोना तो फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर के लिए धो लेंगे। आमेन। परमेश्वर ने वो चीज चमत्कार दिखा दिया, आज से घोषणा मेरा शुरू, मेरी माँ का घोषणा, मेरे पिता का घोषणा, मेरा घोषणा, मेरे भाई बहन का घोषणा, कलीसिया का घोषणा। और ये घोषणा ये है कि हमें अपना 10 कट्ठे का एक कलीसिया का जमीन चाहिए। आमेन। कल मेरे और भाई के बीच बात हो रही थी, हमने बोला कि भाई 10 कट्ठा जमीन चाहिए, इस पटना में चाहिए, कहीं आउटर में नहीं चाहिए, पटना में कलीसिया। आमेन। ट्रैवलिंग के लिए 4 या 5 बसें चाहिए ताकि हम लोगों को वहां से इकट्ठा करके वहां लेके आए। कहां से आएगा पैसा? परमेश्वर ने पता क्या दिया, आइडियाज दिया हम लोगों को, हम लोगों ने आपसे बात करी, और आज से मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, भाई भी आज से या कल से इसने स्टार्ट कर दिया, और ये करेंगे। और देखो आप लोग भी अपने बीज को बुना स्टार्ट करो। आमेन। मैं बता रहा हूं अपने भाई का गवाही शेयर करता हूं, देखो किसी के बारे में तारीफ नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता हूं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बताता है इससे कई लोग प्रभावित होंगे। एक मैं मानता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा निगेटिव बोलने वाला कोई इंसान है तो ये लड़का है, सबसे नकारात्मक बोलने वाला लड़का है तो ये है। ये हर जगह जाके ऐसी बातों को बोलता है कि विवाद ही खड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है ऐसा इंसान, लेकिन आज वो मुंह वचन बोल रहा है। आमेन। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, यह परमेश्वर की ताकत है। आज जो आपके हाथ लड़ने के लिए उठते हैं, आपके मुंह जो गलत बात बोलने के लिए उठते हैं, वो एक वक्त आएगा वचन बोलने के लिए उठेगा। और जितनों को तुमने अपने मुंह से या हाथ से या शरीर से या आंख से या नाक से बिगाड़ा है, उससे ज्यादा को तुम वापस लेके आओगे। आमेन। अगर आज आप विरोध में हैं, परमेश्वर आपको इतना करीब लेके आएगा, तो लोगों को लेके आओ जितना तुमने बिगाड़ा है। आज मैं बताऊं नाम लेने जो कलीसिया में कुछ ऐसे लोग जो विरोध में खड़े हो गए थे एक वक्त में, आज वही लोग को बटोर के ला रहे हैं। आमेन। हालेलुया। वो बोलते हैं कि मैंने विरोध में काम किया, मैंने गलत काम किया, मैंने लोगों को बिगाड़ा, अब मैं उतना ही ज्यादा लोगों को लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, मांगो तो दिया जाए। आमेन। आमेन। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना